वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मिश्रण के अंदर ठीक है और क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का प्रतिशत 10% है को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% वसा है, तो परिणामी मिश्रण में वसा कोमा वसा का 120/7% होता है। गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया? तो पहला ऑप्शन आप लिख सकते हैं 2:5। पहला ऑप्शन है 2:5। बी ऑप्शन है 1:5 और सी ऑप्शन है 2:3। डी ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 2:1 और ए ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको ऑप्शन जरूर चूज करना है। इन पांच ऑप्शन से में से आपको पांचवा ऑप्शन भी चूज करना है अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, आपको हर हाल में इसमें आंसर देना है ए बी सी डी और ई में से। क्लियर है ना? तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखो एक बार, कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का प्रतिशत कितना दे रखा है? गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना है? 10%। देखो गाय का दूध है, गाय का क्या है? दूध है, जिसमें वसा का कितना परसेंट है? बताओ वसा का कितना परसेंट है? तो देखो गाय के दूध में वसा का परसेंट कितना है? गाय के दूध में वसा का वसा की मात्रा एक तरीके से क्या कह सकते हैं? 10%। क्लियर है ना? और भैंस के दूध में, किसके दूध में? भैंस के दूध में वसा की मात्रा, वसा की मात्रा कितने परसेंट है? 20%। ठीक है, दोनों में कितनी परसेंट है बताओ? 120/7% है। क्लियर है ना? ठीक है, कितनी है? 120/7%। सबसे पहले तो आप एक काम करो, देखो आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकालना है ना। क्या करना है आपको? इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो इस अनुपात में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना है आपको इस क्वेश्चन को। देखो आप एक काम करो, इस परसेंटेज को तीनों में से हटा दो आप। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन तीनों में से परसेंटेज को हटा देंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा 120/7 और 10 का अंतर यहां लिखेंगे। ठीक है, 20 और 120/7 का अंतर यहां पर लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। आप बटे वाले प्रश्न में फंस जाते थे, लेकिन अब नहीं फंसोगे। आप यहां पर क्या करो, अगर नीचे 7 है तो इस 7 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुणा कर दो सबको। क्लियर, किससे गुणा कर दो? 7 से। अब ये 7 से 7 तो खत्म हो गया, ये कितना है 120 और ये कितना है 70। 70 और 120 का अंतर कितना है? 50। और ये कितना है 140 और 120 का अंतर कितना है? 20। ठीक है, क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म। आंसर क्या जाएगा? 2:5। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 2:5। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल तथा एल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है, यानी दारू है। ठीक है, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है इसका 25। पहला ऑप्शन क्या है? 25। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 30 और सी ऑप्शन दे रखा है 20 और डी ऑप्शन क्या है? 23 और ई ऑप्शन क्या है?
नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जल तथा एल्कोहल के एक 50 लीटर मिश्रण में 10% क्या है? एल्कोहल है। कितना मिश्रण है सबसे पहले, टोटल मिश्रण कितना है? मिश्रण कितना है बताओ, मतलब कि आप इसको N1 मान सकते हो, मानने को क्या मान सकते हो? N1 मान सकते हो। ध्यान से सुनना, N1 क्या होता है? क्वांटिटी होती है। इसमें जल कितना है? जल तथा एल्कोहल के 50 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण कितना है? 50 लीटर है। कितना है? 50 लीटर। इसमें ये बताओ मुझे आप, सबसे पहले इसमें जल की मात्रा कितनी है? जब 10% एल्कोहल है, एल्कोहल कितना है? 10%। एल्कोहल कितना है तो वाटर कितना होगा? 90% होगा कि नहीं होगा ये बताओ। बात आ रही समझ में? ये तो है आपका क्या, पहले वाला सॉल्यूशन। दूसरा वाला सॉल्यूशन होता है N2। क्या होता है? N2। और दूसरे वाले सॉल्यूशन में ये बताओ मुझे आप, देखो ध्यान से, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए? तो यह बात सुनना ध्यान से, एल्कोहल तो 100% ही मिलाया जाना चाहिए ना, और वाटर कितना होगा बताओ? 0%। क्लियर बात समझ में आ गई? जो नया सॉल्यूशन होगा यानी N1 प्लस में N2, उसमें क्या होगा बताओ? N1 प्लस N2 में क्या होगा? ध्यान से आप मेरी बात को समझें, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए, तो मतलब नया सॉल्यूशन होगा इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 40% करने के लिए, तो मतलब वाटर की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी? 60%। आपको ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। आप मेरी बात को फिर से ध्यान समझे, 50 लीटर ये सॉल्यूशन है N1, इसमें एल्कोहल 10% यानी पानी कितना है? 90% है। तो 10% एल्कोहल मिला रहे हैं इसमें, इसमें 10% एल्कोहल है तो 90% वाटर होगा। दूसरा जो सॉल्यूशन है ना उसमें क्या कह रहा है, कितनी एल्कोहल की मात्रा मिलाई जाए, एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि ना हम 40% कर सके नए सॉल्यूशन को। तो एल्कोहल तो 100% ही होगा ना, पता लग गया ना, मैंने आपको यहां पर बताई ये चीज। तो आप एल्कोहल को लेकर भी क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन। तो देखो एलिगेशन लगा रहे, आप किसको लेकर लगा सकते हैं एलिगेशन बताओ? देखो एल्कोहल को लेकर, किसको लेकर लगा रहे हैं? एल्कोहल को लेकर मैं यहां पर एलिगेशन लगा सकता हूं, एलिगेशन लगा रहा हूं। देखो एल्कोहल को लेकर आप ध्यान से समझे, अगर 10% एल्कोहल है यहां पर कितना है, तो उसमें जो सॉल्यूशन मिलाएंगे तो कितना होगा उस एल्कोहल में? एल्कोहल की से मात्रा कितनी होगी दूसरे वाले सॉल्यूशन में? 100%। ठीक है, और इन दोनों में इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगी ना, 40% कितनी हो जाएगी? 40%। तो परसेंटेज को परसेंटेज से हटा सकते हैं, काट सकते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो आप 40 और 10 का अंतर कितना है? 30 का अंतर है। कितना अंतर है? और 40 और 100 का अंतर कितना है? 60 का अंतर है। 20 या 60, या फिर आप 15 चौक 60 और 15 दुनी 30, 2 दुनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 अनुपात क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सॉल्यूशन था पहले वाला है ना, तो प्रारंभिक यानी प्रारंभिक है ये, क्या है? और ये मिलाई गई है एल्कोहल, मिलाया गया, नहीं बैठी बात समझ में? प्रारंभिक और मिलाया गया एल्कोहल, तो प्रारंभिक कितनी मात्रा है? 50 लीटर है ना, तो आप मेरी बात को ध्यान समझे, जब 2 की वैल्यू 50 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हो ना आप आराम से? अरे 25 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सच सच बताना, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मैं यहां पर पानी को लेकर क्या लगा रहा हूं? एलिगेशन लगा रहा हूं। पानी को लेकर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझे आप, पानी कितना है? 90% है, ये प्रारंभिक मात्रा है। फिर उसके बाद कितना है? 0%। ठीक है, ये मिलाया गई मात्रा है, मिलाया गया, आप इसको प्रारंभिक भी कह सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज को मैं हटा रहा हूं, यहां पर कितनी मात्रा हो जाएगी पानी की बताओ? 60 हो जाएगी ना। आप ध्यान से समझें,
90 और 60 का अंतर कितना है? 30 का। और 60 और 0 का अंतर कितना है? 60 का। तो मेरी बात ध्यान समझना, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 2:1 आ गया, यानी आंसर हमारा वही आएगा। आप पानी को लेकर भी लगा सकते हैं एलिगेशन, और एल्कोहल को लेकर भी लगा सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में नहीं करना होता, ये सिर्फ समझाने के लिए है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीमेंट तथा कंकड़ के 50 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% कंकड़ है, ठीक है, नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाए जाने चाहिए? सीमेंट तथा कंकड़ के 50 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% क्या है? कंकड़ है। नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाए जाने चाहिए? ठीक है, तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सीमेंट तथा कंकड़ की मात्रा कितनी, मतलब एक सॉल्यूशन दे रखा है सीमेंट और कंकड़ का, यानी N1 दे रखा है कितना, N1 में सीमेंट तथा कंकड़ की मात्रा कितनी है बताओ, N1 में कितनी है? ये दे रखी है आपको 50 किलोग्राम, कितनी दे रखी है? लेकिन 50 किलोग्राम N1 की मात्रा है, N1 क्या होती है? मात्रा ही होती है, मतलब पहले सॉल्यूशन की मात्रा है। इसमें कितने परसेंट क्या है? कंकड़ है, 10% कंकड़ है, 10% क्या है? कंकड़। तो 90% क्या बचेगा बताओ? कंकड़। तो 90% क्या बचेगा? कोई शेष मात्रा जो होगी, कंकड़ का और किसका है? सीमेंट का है ना, तो सीमेंट शेष। बात आगे समझ में नहीं आई? शेष क्या है? सीमेंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, N2 मतलब कितनी मात्रा, नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए, नए मिश्रण में किसकी मात्रा, कंकड़ की मात्रा 28% बनाने के लिए कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाए जाने चाहिए? तो बताओ कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाए जाने चाहिए, हमको यहां पर नहीं पता, लेकिन हमने कह दिया कि पूरे के पूरे 100% ही कंकड़ मिलाए जाने चाहिए। नहीं बेटी बात समझ में? सीमेंट तो मिलवा ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब 0% क्या है? सीमेंट है। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना, जो नया सॉल्यूशन है ना, N1 प्लस N2 होगा जो, उसमें कितना परसेंट है बताओ, उसमें कितना परसेंट, 28% क्या है? कंकड़ होने चाहिए। तो सीमेंट की मात्रा कितनी बच जाएगी? 72% और 8, 72%। ये किसकी मात्रा बच जाएगी? सीमेंट की। आप इतना बता दो समझ में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना? अब ध्यान से समझना, कंकड़ को लेकर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है, और सीमेंट को लेकर भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। मैं कंकड़ को लेकर एलिगेशन लगा रहा हूं, तो 10% क्या है बताओ, कंकड़ कितने हैं, मतलब कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है? आप देखो प्रारंभिक 10%, ठीक है, प्रारंभिक ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रारंभिक कितने, 10%। और यहां पर कितने होंगे बताओ, मिलाई गई मात्रा कितनी है? अब आप बताओ यहां पर मिलाई गई मात्रा, मिलाई मात्रा कितनी है आप बताओ? 100% कंकड़ ही होंगे ना, मिलाएंगे तो उसमें, सीमेंट तो मिलवा ही नहीं रहा था हमसे, तो 100% क्या होंगे ये, और 28% क्या होंगे बताओ, दोनों में कंकड़ की मात्रा होगी ना, कंकड़ दोनों में। तो देखो यहां पर 28 का 10 कितना अंतर है बताओ, 18 का, और 100 और 28 का कितना अंतर है, 72 का, ठीक है, कितना है, 18 चौक 72 और 18 एकम 18, अनुपात कितना जाएगा बताओ, और बताओ 50, ठीक है, 4 का ये इसके नीचे आता है ना, प्रारंभिक सॉल्यूशन ये होता है एक तरीके से, और मिलाई गई मात्रा ये होती है एक, इसलिए मतलब प्रारंभिक सॉल्यूशन कितना था, 50 था, तो 4 की वैल्यू 50 है ना, 1 की वैल्यू 12.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ, इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा आपका, 12.5 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जल तथा अम्ल के 80 लीटर का एक मिश्रण है, किसका, तो इसका मतलब N1 क्या है 80 लीटर, ठीक है, इसमें क्या है जल है और क्या है एसिड है, तो जल कितना है बताओ, बताओ 80% होगा ना, 80% क्या होगा जल होगा, 20% क्या है एसिड है, तो यानी अम्ल है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कितना नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए, यानी N2, ठीक है N2, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना परसेंट अम्ल करने के लिए, N1 प्लस N2 में कितना अम्ल कर रहा है 60% कर रहा है, क्या कर रहा है अम्ल को 60% कर रहा है, बताओ कितना कर रहा है, तो मतलब 40% क्या होगा जल करेगा, तो नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए, तो कितना अम्ल मिलाया जाना चाहिए बताओ, अम्ल कितना मिलाया जाना चाहिए भाई, 100% मिलाया जाना चाहिए ना, और 0% क्या मिलाया जाना चाहिए, जल मिलाया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर अम्ल की 60% मात्रा करने के लिए उसमें कितना जल मिलाया जाना चाहिए, ऐसे भी कह सकते, तो ध्यान रखना, जल तो 0% अगर कहेगा तो जल को कितना परसेंट लेंगे, फिर जल को कितना लेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देगा आपको, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम जल को 0% लेंगे, जल को अगर 0 लेंगे तो यहां पर तो 80 है जल, है ना, यहां पर कितना है 0%, तो जब जल भी मिलाया जाएगा और उसमें अम्ल है, तो अम्ल में जल मिलाया जाएगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, नहीं बेटी बात समझो, सवाल बन नहीं रहा है अभी ये, ठीक है, कैसे बन रहा है बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना सीख जाओ। तो अब हम अम्ल को लेकर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्रारंभिक कितनी मात्रा है बताओ, प्रारंभिक मात्रा कितनी है, प्रारंभिक मात्रा 20%, और परसेंटेज को मतलब वो कटता है लास्ट में, मिलाई गई मात्रा कितनी है 100%, और दोनों की मात्रा कितनी है 60, तो देखो 20 अंतर कितना है, 20, ध्यान दो मैं कह रहा हूं जो तुम कह रहे हो, 60 और 20 का अंतर कितना है, 20 है ना, 40 है, तो 40 ही लिखना है आपको, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही मत बोलो, और 100 और 60 का अंतर कितना है, कितना है 40 है, तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई ना, 1:1 आ गई, 1:1 क्या आ गया, 1 आ गया, कितनी मात्रा थी बताओ इसकी, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 80, तो उस एक की वैल्यू 80 कौन सा एक, इसलिए मतलब कितना आ जाएगा 80 लीटर मिश्रण आ जाएगा, बात बैठ गई समझ में, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आगे हम नेक्स्ट टाइप सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है, टाइप सेकंड करेंगे, अब हम 10 क्वेश्चन, अब हम टाइप सेकंड की शुरुआत करते हैं, और टाइप सेकंड क्या है, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, टाइप सेकंड का बेसिक, देखो एक गांव है, सबसे पहले क्या मानते हैं, एक गांव, ठीक है, एक विलेज लेते हैं हम, एक गांव के अंदर क्या है, हमने एक गांव ले लिया, और इस गांव के अंदर टोटल जो जनसंख्या है वो आप ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं ना गांव के अंदर, ठीक है, मेल और फीमेल क्या आते हैं, दोनों होते हैं, तो आपने मेल मान लिए कितने, 6000, कितने मान लिए 6000, यानी उसमें पुरुष कितने हैं 6000, और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं मान ली आपने यानी फीमेल, यानी फीमेल कितनी है 4000, कितनी है 4000, बताओ
फीमेल कितनी है? 4000। मैंने मान ली, कुछ भी मान सकते हो आपको जरूरी नहीं है। और मेल कितनी है? मेल कितने हैं? 6000। आप ये ध्यान से देखो कि जो मेल 6000 है ना और फीमेल 4000 है, तो टोटल मतलब इनकी जनसंख्या कितनी है? टोटल 10000। टोटल कितनी है? 10000। टोटल 10000। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि टोटल कितनी संख्या है? 10000। यानी जनसंख्या टोटल 10000। ठीक है, अब एक बात अब समझो कि मेल जो है ना, मेल की जनसंख्या जो है ना वो 10% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? आप कह सकते हैं कि ये 10% बढ़ रही है। ठीक है, और ये कितनी बढ़ रही है? फीमेल बढ़ रही है 20%। फीमेल कितनी बढ़ रही है? यानी फीमेल की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, और परसेंटेज में से सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो 6000 का जब 10% आप निकालेंगे ना, 6000 का 10% आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का मतलब 1/10 होता है, तो 10% का मतलब 10/100 होगा। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 10% का मतलब 10/100 होता है। तो 3 जीरो ऊपर है, सॉरी 2 जीरो कहां पर है? 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो ऊपर है, तो कट जाएंगे। तो 60 को 6 से 10 से गुणा करेंगे, 600 जाएगी। यानी जो मेल बढ़े कितने बढ़े? 600 बढ़ गए। अब मेल टोटल कितने हो जाएंगे? 6600। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ये बताओ पहले। तो अब ध्यान दो, फीमेल कितनी बढ़ रही है? 20%। तो 20% का मतलब 20/100, यानी हम कह सकते हैं कि जो फीमेल है ना वो कितनी बढ़ी? 800। यानी अब कितनी हो गई? 4800। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी? आ गई ना? आप बताओ कि यहां पर हम अगर टोटल जोड़ें तो अब जनसंख्या कितनी हो गई आपकी? कितनी हो गई? ध्यान से देखो कितनी हो गई, 6010 और 8 से 14, 11400 हो गई टोटल। कितनी हो गई? टोटल कितनी होगी बताओ? 400। 10000 से कितनी बड़ी है बताओ? कितनी बड़ी? 1400 बढ़ गई। किससे बड़ी? 10000 से बड़ी, गुणा में 100। कितनी बढ़ गई? 14%। तो ये हमारा जो 14% आया, ये क्या आया है पता है? ये हमारा आया है जो विलेज में जो मतलब जनसंख्या बढ़ी ना, उनका अनुपात आया है। मतलब टोटल दोनों का मिक्स करके, मिश्रण कर दिया हमने इसका। तो अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से सुनो आप, ध्यान से। अब हम एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब अगर क्वेश्चन पूछे किस अनुपात में बढ़ी, अब किस अनुपात में बढ़ गई है, तो ध्यान से सुनना। हम अब एलिगेशन लगा रहे हैं, और एलिगेशन लगाने का तरीका ध्यान से सुनना पहले एक बार। पहले कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। फिर कितनी बढ़ी? और टोटल क्या आया? 14%। यानी 14 और 10 का अंतर कितना है, और 20 और 14 का अंतर कितना है? तो 2 3 6 और 2 2 9, यानी 3:2 के अनुपात में बढ़ी है। यानी 3:2 के अनुपात में बढ़ी। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने इतना बड़ा आपको करके बताया, आपको ये पॉइंट आना चाहिए। आप दोनों को काटो, यहां पर 2 2 4 और 2 3 3:2 कहां से आ गया? यहीं से आ गया, जबकि मैंने निकाल के बताया आपको एलिगेशन मेथड से, ये यहां से आ गया 3:2। आप बताओ यहां 10% बढ़ रही थी, यहां पर 20% बढ़ रही थी। ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो आगे देखो, देखो अभी तक हमने इसमें पढ़ा कि विलेज में मतलब कि मेल और फीमेल का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि इसका फॉर्मूला में एलिगेशन का जो फॉर्मूला आता है वो किस प्रकार से आता है। यानी अब हम इसमें बात करते हैं किसकी, फॉर्मूले की, कि जो एलिगेशन फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो हमने माना एक विलेज, माना था हमने विलेज,
इस विलेज में हमने क्या किया था, मेल को किससे दर्शाया था, किससे दर्शाया था, फीमेल को किससे दर्शाया था, एफ से। और हम टोटल को किससे दर्शाएंगे, मेल प्लस फीमेल से। ठीक है, मेल की हमने मान ली एक क्वांटिटी है, मेल फीमेल भी क्वांटिटी है, मेल प्लस फीमेल भी क्वांटिटी है। मेल को हमने मान लिया कि इसकी जो जनसंख्या है एक्स परसेंट से बढ़ रही है। ठीक है, फीमेल की किससे बढ़ रही है, वाई परसेंट से बढ़ रही है, और इसकी किससे बढ़ रही है, जेड परसेंट से बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई ना। तो हम आगे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना भाई, एक्स परसेंट से बढ़ रही है तो मतलब मेल का हम एक्स परसेंट निकालेंगे ना, मेल का एक्स परसेंट, क्लियर है, प्लस प्लस किसका, फीमेल का वाई परसेंट, और बराबर में मेल प्लस फीमेल का कितना, जेड परसेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो ये आ जाएगा एम एक्स प्लस, ये आ जाएगा एफ वाई, ये आ जाएगा एम जेड, ये आ जाएगा एफ जेड। क्लियर, मैंने परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए हटा दिया है। ठीक है, तो देखो एम एक्स और ये एम जेड एक तरफ चल जाएंगे, एम एक्स प्लस माइनस का एम जेड, और एफ जेड प्लस माइनस का हो जाएगा एफ वाई। क्लियर, तो एम कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस का जेड, यहाँ एफ कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, जेड माइनस का वाई। क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना। एम और एफ क्या जाएगा, एम बटा में एफ क्या जाएगा, मतलब मेल और फीमेल का अनुपात क्या जाएगा, मेल का जाएगा जेड माइनस वाई, और फीमेल का क्या जाएगा, एक्स माइनस का जेड। ये बात क्लियर आ गई कि नहीं आ गई समझ में आपको, ये एक तरीके से डेरिवेशन होती है इसकी। ठीक है, अब देखना हम, अब हम बात करेंगे किसकी, एलिगेशन की। किसकी बात करेंगे, एलिगेशन किस प्रकार से लगता है। देखो हमने माना कि एक्स परसेंट से क्या बढ़ गई थी, मेल की बढ़ी थी ना एक्स परसेंट, और वाई किसकी बढ़ी, तो मेल की एक्स परसेंट और फीमेल की क्या है, वाई परसेंट। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है बताओ, और दोनों की किससे बढ़ी, जेड से बढ़ी। तो मेरी बात आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से, देखो एक्स में से आप जेड घटाएंगे तो एक्स माइनस क्या आएगा, जेड आ जाएगा। अगर एक्स में से आप क्या घटाएंगे, जेड घटाएंगे ना, क्या घटाएंगे, एक्स में से जेड घटा रहे तो एक्स माइनस जेड आ रहा है ना। लेकिन याद रखना, एक्स में से जेड घटाते हैं, जेड में से वाई घटाते हैं, ना कि वाई में से जेड घटाते हैं। क्लियर समझ में आ रही मेरी बात, एक्स में से जेड घटाया एक्स माइनस जेड, वाई में से जेड नहीं घटाते, दूसरा वाला जेड में से वाई घटाना पड़ता है। क्लियर है ना, वैसे जेड में से क्या घटाना पड़ता है, वाई। ये हमने कहां से सीखा, ये हमने कहां से सीखा, हमने यहां से सीखा, ऐसा क्यों होता है। तो एक्स में से जेड घटाते ये आता है, और जेड में से वाई नहीं घटाते, सॉरी वाई में से जेड नहीं घटाते, जेड में से वाई घटाते, तो जेड माइनस वाई। तो देखना ये किसका था, मेल का था कि नहीं था, ये फीमेल का था कि नहीं था बताओ। तो मतलब मेल और फीमेल का अनुपात क्या आ गया बताओ, जेड माइनस वाई बटा में एक्स माइनस का जेड। ये डेरिवेशन में कोई अंतर था कि बताओ, जो मैंने आपको वहां से निकाली और इस जो यहां से निकाली, ये एलिगेशन से निकाली और ये किससे निकाली, ये बेसिक मेथड से निकाली, किससे निकाली है, बेसिक मेथड से निकाली। तो इन दोनों में कोई अंतर है कि बताओ, अंतर नहीं है ना। तो ये टाइप नंबर दो आपका, मतलब टाइप नंबर दो की डेरिवेशन है। देखो क्वेश्चन नंबर एक, टाइप टू का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाए, तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 73,520 हो जाएगी। ठीक है, कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर होगा। तो देखो इस सवाल को आप तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड होगा बेसिक मेथड। तो सबसे पहले बात ही बेसिक मेथड की कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक गांव की जनसंख्या 70,000 है, 70,000 में देखना पुरुष कितने हैं, मतलब मेल कितने हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेल इसमें कितने हैं, मान के चलो अगर मैंने मेल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया,
तो फीमेल क्या बचेगी बताओ, 70,000 माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है ना? ये पहला है ना बेसिक मेथड। क्या है पहला? ये बेसिक मेथड। क्या है पहला मेथड? मेथड किसको बोलते हैं? बेसिक मेथड। तो मेल एक्स है तो फीमेल क्या जाएंगे? 70,000 माइनस एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि हो गई, तो एक्स का हम 6% निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बताओ। ऐसे प्लस 70,000 माइनस एक्स, ये फीमेल की है तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 4% की। और आपकी जनसंख्या जो है ना वो कितनी हो रही है बताओ? कितनी बढ़ रही है? 73,520 हो रही है। पहले टोटल जनसंख्या कितनी थी इन दोनों की? 70,000। अब कितनी हो रही है? 73,520। यानी बढ़ कितनी गई? 3,520। तो यही लिखेंगे ना, 3,520 बढ़ी है, मतलब इनसे वृद्धि हो रही है। तो क्लियर है ना? हम पूरा नहीं लिखेंगे। x का 6% क्या होता है? 6x प्लस 4 को 7 से गुणा करेंगे, 2,80,000। और माइनस का 4x बराबर में 3,520। अच्छा मेरी बात ध्यान से ये सुनना आप, जो बटा का 100 आता है ना, अगर 6% बटा का 100, ये इससे गुणा और हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? 6/100 लिखते, 4% को 4/100 लिखते, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब क्या होता पता है ना आपको? इसका मतलब ये है कि 4% को 4/100 लिखेंगे, 6/100 लिखेंगे, तो इसका मतलब बटा का 100 कॉमन आकर यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 के 2x, और ये कितना है? 2,80,000। 3,52,000 में से आप 2,80,000 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 3,52,000 में से 2,80,000 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे बताओ? 72,000 बच जाएंगे। कितने? 2x बराबर 72, तो x बराबर कितना जाएगा? 36,000। x की वैल्यू 36,000 आ गई। आप बताओ x किसकी मानी थी? मेल की मानी थी, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी बताओ? फीमेल मतलब फीमेल को क्या माना था? 70,000 में से मतलब कि 34,000 आ जाएंगी फीमेल। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बताओ? अरे फीमेल तो 34,000 आ जाएंगे ना, 70,000 माइनस ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, घट जाएगी। तो मेल और फीमेल का अंतर आपसे इसमें सवाल में पूछा है, तो 2,000 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो है ना वो कितना है? 2,000। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, आपको एग्जाम में इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना। यानी आप कह सकते हैं कि इनका जो अंतर आएगा ना वो 2,000 आएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे बताओ? सवाल तो बेसिक मेथड से इस प्रकार से है, तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते ना। तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, ठीक है, उससे इसका आंसर कितना आता है हम बात करेंगे इसकी भी। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार आप। मेल की कितनी संख्या बढ़ रही? मेल कितनी बढ़ रही थी? 6%। फीमेल कितनी बढ़ रही है? 4%। कितनी बढ़ रही है? देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस मेल की जगह क्या कर रहा हूं, मेल की भी मैं 4% ही बढ़ा दूं, यानी मैं कॉमन कर दूं फीमेल के। भाई मेल की इसको 4% और प्लस में क्या लिख देता हूं? 2%। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? अरे भाई बात समझ में आ रही है ना आपको, कि जो मैंने यहां पर 4% लिखे ना मेल की, ठीक है, और 2% मैंने बाहर लिख दी, मतलब कि ये इसके कॉमन आ जाएगी, 4% के कॉमन। तो देखो हमारी कुल जनसंख्या कितनी थी? 70,000 थी ना, तो 70,000 का आप क्या निकाल सकते हैं? 4%। अगर आप 70,000 का 4% निकालेंगे ना तो कितना जाएगा? 2,800 आ जाएगा। कितनी जाएगी? 2,800। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? सही बताओ ईमानदारी से। हाँ 2,800 आ गई ना 4% से हमारी, आ गई समझ में? लेकिन जो 70,000 से कितनी हो रही थी? 73,520 ही हो रही थी। यानी इसमें कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई बताओ? 3,520 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 3,520 बढ़ गई। मतलब कि जब 6% और 4% ले रहे थे ना, तो इसमें 3,520 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? लेकिन हमने केवल 4% लिए तो 2,800 आ गई। जो 2% की जो है ना कमी, वो यहां पर कर दी ना, मतलब मैंने आपको
अगर मैं 2% की जगह मैं 2% और निकालता तो 3520 आ जाती। लेकिन मैंने जो 2% की कमी की है ना बाहर से, ये वाली कमी जिसको बोल रहे अपन, ये वाली, इस 2% की वैल्यू कितनी, 2800 3520 का अंतर कितना है, 720 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। तो इस 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। 1% की वैल्यू कितनी जाएगी, 360। और 100% की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, 36,000 आ जाएगी। कितनी जाएगी, 36,000। और मतलब ध्यान से सुनना, जो 100% 36,000 आ रही है ना, ये किसकी आ रही है पता है अभी, ये मेल की आ रही है। किसकी आ रही है, टोटल 70,000, मेल 36,000, फीमेल कितनी बचेंगी, 34,000। और दोनों का अंतर आपसे पूछा है इसके अंदर, दोनों का अंतर कितना है, हाँ, मेल यानी फीमेल दोनों का अंतर कितना है, 2,000। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बताओ। दूसरा मेथड इसका ये है, इसको बोलते हैं इक्वल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, इक्वल मेथड, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का तो सेकंड मेथड है ना वो ये है, जो इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड है ना वो ये है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड मेथड की। ये परसेंटेज का सवाल है ना, ये परसेंटेज का सवाल है, लेकिन मिश्रण हम पढ़ रहे हैं, मिश्रण एक अप्रोच है, टॉपिक नहीं है। अब आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मिश्रण अप्रोच है, टॉपिक नहीं है। तो देखो बात करते हैं किसकी, तीसरे टॉपिक की, सॉरी तीसरे मतलब की ट्रिक की, ठीक है। और ये ट्रिक क्या काम करती है, अप्रोच, लोग बाग इसको क्या बोलते हैं कि ट्रिक से बता रहे हैं, लेकिन ये एलिगेशन की अप्रोच लग रही है। किसकी अप्रोच लग रही है, एलिगेशन अप्रोच बोलते हैं इसको, ठीक है। और एलिगेशन अप्रोच जब हम लगाते हैं तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा। किस तरीके से होगा, ध्यान से सुनना। पहले मतलब मेल कितनी परसेंट बढ़ रही थी बताओ, 6% की बढ़ोतरी, फीमेल की कितनी बढ़ोतरी हो गई, 4% की। मैं यहाँ पर परसेंटेज बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये 6 है, ये कितनी है, 4। अब दोनों की कितनी बढ़ी, आप यहां से ध्यान से देखें। पहले कोई वैल्यू कितनी थी, 70,000 थी, कितनी थी, 70,000। अब कितनी हो गई, 73,520, यानी बढ़ी कितनी, 3520 बढ़ी, 3520 बढ़ी। किससे बढ़ी, 70,000 से बढ़ी, 70,000 से। और गुणा में लिख देंगे 100, तो इन तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगी, 352 में 70 का भाग देना है, यानी 352 बटा जो 70 है ना, वो किसकी आ जाएगी बताओ, वो किसकी आ जाएगी, इन दोनों की आ जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 70 यहां लिखा है इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे बताओ, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यहां पर दोनों तरफ 70 से इंटू कर देंगे। ये हमने सीखा था कहां पर, थोड़ी देर पहले। इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 70 से गुणा कर देंगे। जब ये 70 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये भी किससे गुणा कर देंगे, 70 से। क्यों कर रहे हैं ना, पता लग रहा है ना, जल्दी करना है इसलिए। तो ये कितना है, ये तो कट जाएगा, ये कितना है, 642, 420 और ये 352, अंतर कितना आएगा 420 और 352 का बता दो आप, बताओ, 52 और 8 60 48, 48 और 20 कितने हो गए, 68 हो जाएंगे, बिल्कुल 68 हो जाएंगे सर, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 280 और 20, 100 कितना जाएगा, ये 352 और 280, 280 में से 352 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा, कितना बचेगा, 72 ही बचेगा ना, ठीक है, 72 ही बचेगा। कोई गलती तो नहीं की ना भाई, 280 है ये और 20, 72 ही बचेगा, ठीक है। अब किससे काट सकते हैं, काटो, 2 3 6 2 6 12 और 2 3 6, इसको काट सकते हैं अपन किससे, 4 से काटो, 4 1 4 2, 4 7 28 17 और ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 के पास 17 आ गए ना, 18 17 कितने होते हैं टोटल, 35 होते हैं ना। देखो अंतर देखो, ये किसका है, ये देखो आप, ये फीमेल का, मेल का है और ये किसका है, हमें तो अंतर ही पूछा है ना, अंतर कितना है इसमें, एक का अंतर है और टोटल कितना है बताओ। देखो टोटल कितना है, 18 17 35, 35 की वैल्यू कितनी है, मतलब 35 क्या है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, 70,000।
और दोनों का अंतर आपसे पूछा है, महिला और पुरुषों का अंतर यही निकालो, दोनों का अंतर एक है ना, तो एक की वैल्यू निकाल लो 35 × 70, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना 2000। ठीक है, आज तक इतना ही मिक्सचर के अंदर, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।